सोलन शहर में स्ट्रीट फूड वेंडर प्रशिक्षण के बाद भी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। इन सभी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई थी कि वे शहरवासियों को खाने की व्यंजन प्रोसेस में साफ सफाई का ख्याल रखें, हाथों में ग्लव्स डालें, एप्रेन और सर पर टोपी डालें, लेकिन वे नियमों को ठेंगा दिखाते हुए लोगों को गंदे हाथों से भी व्यंजन परोस रहे थे, जिस पर विभाग ने कड़ी कार्यवाही की और करीबन 25 फूड वेंडरों के चालान किए और उन्हें अंतिम चेतावनी दी कि वे नियमों का ख्याल रखें और शहरवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें। सोलन शहर में स्ट्रीट फूड वेंडर प्रशिक्षण के बाद भी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। इन सभी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई थी कि वे शहरवासियों को खाने के व्यंजन परोसते समय सफाई का ख्याल रखें, हाथों में ग्लव्स डालें, एप्रेन और सर पर टोपी डालें, लेकिन वे नियमों को ठेंगा दिखाते हुए लोगों को गंदे हाथों से ही व्यंजन परोस रहे थे, जिस पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की और करीबन 25 फूड वेंडरों के चलान किए और उन्हें अंतिम चेतावनी दी कि वे नियमों का ख्याल रखें और शहरवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करें। अधिक जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त LT ठाकुर ने बताया कि जिन फूड वेंडरों के चलान किए गए थे उन्हें आज फिर से स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमों की जानकारी दी गई और बताया गया कि अगर वे फिर भी नियमों की अवहेलना करेंगे तो उनको दोबारा चलान किया जाएगा और उन्हें शहर में कुछ भी बेचने पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कार्रवाई इसलिए अमल में लाई गई है ताकि जाने अनजाने में कोई भी व्यक्ति शहर की सड़कों पर बिक रहे व्यंजनों को खाकर बीमार न हो जाए। जो स्ट्रीट फूड वेंडर जिनके चालान किए थे, जो बिना रजिस्ट्रेशन और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना हाइजीनिक कंडीशन के फूड आर्टिकल बेचते हुए पाए गए थे, उनको आज मीटिंग के लिए बुलवाया था। तो सारे लोग आज मीटिंग में आए और उनको हमने आज अवेयर किया क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, किस ढंग से वो रजिस्ट्रेशन कराएं। तो सबसे पहले आज वो अपना सब लोग मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल करने के बाद वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट फास्टैग की ट्रेनिंग दिलाएंगे और उनको अवेयर किया कि वो किस बर्तन में पानी रखेंगे और कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, डस्टबिन उनका किस तरह से होना चाहिए, साफ सफाई की पूरी जानकारी दी और जो उनके पास खाना बच जाता है उसको उन्होंने किस ढंग से रखना है, कितना बनाना है और जो तेल वो यूज़ कर रहे हैं कहाँ से खरीद रहे हैं उसके बारे में उनको विस्तार से जानकारी दी। और लगता है इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, शाम को आज फिर देखेंगे। जो भी बिना रजिस्ट्रेशन और सैनिटरी कंडीशन, जिसकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं होगी, ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर को हम स्ट्रीट में फूड आर्टिकल बेचने नहीं देंगे। जो कंडीशन को फुलफिल करेगा उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे और उसको अलाउ भी करेंगे। 25-30 स्ट्रीट फूड वेंडर्स के चलान कर दिए हैं। अगर वो सुधार नहीं होता, वो चलान का इशू सेपरेट है, वो जो कोर्ट में जाएगा, जो भी उसमें फैसला होगा वो ADM कोर्ट से होगा। इसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट का है, अगर वो सेकेंड टाइम चलान होता है तो जो फाइन है उसका अमाउंट डबल हो जाए। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे इन गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।